थैंक यू मैथिली। हाँ तुम्हें तो पता है अरमान नया नया चेयरमैन बना है, उसे लगा उसे किसी की नजर न लग जाए तो नजर बट्टू अपने केबिन में बिठा लेता हूँ। से कपड़े पहन रखे तूने? इट्स कूल रिफत बी। कूल मेरी बच्ची, सरा तो लड़कियों जैसी हरकतें कराकर स्कूल में ढंग से हाई भी नहीं बोलते थे। जस्सी जैसी कोई नहीं की जस्सी, सनम तेरी कसम की सारू, कुछ कुछ होता है की अंजलि और ये जवानी है दीवानी की नैना तक हमें देख चुके हैं कि चश्मा हटाते ही इन लड़कियों को उनकी लाइफ का ट्रू लव मिल जाता है। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसीन सितम? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकओवर ट्रोप की और ये किस प्रकार से प्रॉब्लमेटिक है। जो महिलाएं और लड़कियां उनके लिए प्रतिष्ठा द्वारा बनाए गए खूबसूरती के पैमाने में खरी नहीं उतरती हैं, तो उनके पहनावे, बोलने के तरीके, बाल बनाने के तरीके, रहन सहन को बदल कर उन्हें समाज द्वारा खूबसूरती के पैटर्न में ढालना ही मेकओवर ट्रोप है। और एक ऐसा मेकओवर जिससे उस लड़की की तरफ पूरे समाज का बिहेवियर एकदम बदल जाता है और उसे उसकी लाइफ का ट्रू लव भी मिल जाता है। फिल्मों में हमेशा से ही सांवली, चश्मा पहनने वाली, सिंपल और लड़कों की तरह कपड़े पहने हुए लड़कियों का मजाक बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कारणों की वजह से फिल्म में हीरोइन को हीरो का प्यार मिलना भी मुश्किल हो जाता है और फिर हीरो का प्यार पाने के लिए हीरोइन का मेकओवर किया जाता है। मतलब अपना वार्डरोब बदलो, स्टाइलिश बनो और फिर आपको आपके सपनों का राजकुमार जरूर मिल जाएगा। आपको बता दें कि बॉलीवुड और डेली सोप्स का ये फॉर्मूला कोई नया नहीं। ये फॉर्मूला सबसे पहले साल 1986 में फिल्म नसीब अपना अपना में देखा गया था, जहां हीरोइन के हेयर स्टाइल से लेकर उसके बोलने के तरीके में चेंजेस किए गए थे। उसके बाद जस्सी जैसी कोई नहीं में जस्सी के चश्मों और ब्रेसेस को हटाने तक, कुछ कुछ होता है कि टॉम बॉय वाली अंजलि को साड़ी में दिखाने तक और ये जवानी है दीवानी की चश्मिश नैना को बिना चश्मे में दिखाने तक। बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों की बहुत लंबी लिस्ट है जहां पर फिल्म की शुरुआत में हीरोइन को नफरत, तिरस्कार और कमतर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो उन लड़कियों की तरह नहीं होती है जैसा कि फिल्म में हीरो को पसंद होती है। तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं? वो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, इसलिए। इस ट्रोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेल गेज, यानी कि एक औरत तभी सुंदर मानी जाएगी जब वह पुरुष की नजरों में सुंदर होगी। और इस ट्रोप के मुताबिक एक औरत सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को लुभाने के लिए ही तैयार होती है। Hi guys. Hi. कैसी लग रही हूँ मैं? इस पूरे ट्रोप में एक औरत की वर्ड को पुरुषवादी समाज और उसकी सोच तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब कि एक औरत को अपना वजूद हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो खुद को बदले और आदमियों को खुश रखे। इसके अलावा एक गलत नजरिया यह भी बनता है कि सुंदर दिखने के लिए चश्मा ना पहनना उतना ही जरूरी है जितना कि एक औरत के आत्मविश्वास के लिए मेकओवर जरूरी है। मेकओवर ट्रोप सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे घरों में भी देखा जा सकता है, खासकर तब जब घरों में सांवले रंग की लड़कियों को चंदन और उबटन लगाने को बोला जाता है जब भी उनके लिए शादी का कोई रिश्ता आता है। सबसे पहले तो इनका ब्रेसेस हटाना होगा क्योंकि सबसे पहले नजर वहाँ जाती है, और थोड़ा फिर ग्लासेस, उसके बाद उनका हेयर स्टाइल और फिर उनके जो लुक्स हैं, ड्रेस जो है उसको भी चेंज करना होगा। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि मेकओवर ट्रोप ने किस प्रकार से लोगों की जिंदगी में अपना इम्पैक्ट डाला हुआ है। इनफैक्ट
आजकल यह सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स के क्लोप चैलेंज और बिफोर आफ्टर चैलेंज में देखने को मिलता है। हम सबके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए खुद को बदलने से बेहतर है कि हम पितृसत्ता की खूबसूरती की सोच को सिरे से नकारें और खुद के लिए सुंदरता की नई परिभाषा लिखें। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।